सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है बट सॉरी, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आज मैं लिजिट बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज सेकेंड ईयर का लास्ट दिन है और उससे भी बड़ी चीज़ लास्ट पेपर है, वो एक बार क्लियर हो जाए सब सही। टोटल 5 सब्जेक्ट थे, AOA, DBMS, OS, MP और मैथ्स। सो मैथ्स ठीक ठाक गया और बाकी सारे अच्छे गए, और MP का थोड़ा सा टेंशन है जो आज है। होपफुली वो भी अच्छा चले जाए यार, बस फिर सब सही हो जाएगा। फिर 3 दिन बाद मतलब 2 तारीख को हम जाएंगे, लाइक रात की ट्रेन है तो घर चले जाएंगे, बढ़िया मज़े करेंगे। और आज प्लान चल रहा है, मैं, स्वराज और सौरभ शायद मरीन लाइन वगैरह जाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो नाश्ता करके आते हैं यार, चलो। A few moments later. बंदे को मैं 12:15 बजे से बता रहा हूँ रेडियो रेडियो 2 बजे पहुँचना है, और अभी 1:40 बज चुके हैं एंड भाई साहब अभी रेडियो हो रहा है। बताए लाज शर्म दुपरे अब कितना भी बताया सुनते नहीं है यार। चलो पेपर दे के आते हैं फिर रात में मजा करते हैं। भाई 2 बज चुके हैं, कॉलेज भी पहुँच चुके हैं, अभी 1.5 घंटे में पेपर शुरू हो जाएगा, और बस होप करते सब यार अच्छे से हो जाए। इनको पूछते पेपर का पढ़ाई कैसे हो गया। भाई प्रिपरेशन हो गया ना पूरा, एकदम टॉप मारना है भाई। हमारे क्लास के टॉपर थे ये तीनों, रेडी हो गए भाई। हाँ नहीं नहीं, बस 40-50-100-200 लोग देखेंगे, आप नहीं लोगे किसी को बताएंगे, लीजिए मत ले। चलो भाई पेपर के बाद ही मिलते हैं। 3 hours later. भाई पेपर हो चुका है लेकिन ठीक ठाक गया, पता नहीं पास तो हो जाएंगे लेकिन उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे यार। ठीक है तो काउंट है 2 पेपर ठीक ठाक और 3 झकास भी, कुछ कलेक्ट करना है लैब मैनुअल्स वगैरह, यहाँ से कलेक्ट करते और फिर निकलते। चलो सौरभ ब्रदर कसा गेला? MCQ सांग होतो तुम्ही। अरे माझे बराबर आहे। हां निवर लीला चांगला गेला ना तेरा कसा गया? सो भाई हम तो नीचे आ चुके हैं, बस स्वराज का वेट कर रहे हैं, एक बार वो आ गया फिर निकलते बढ़िया से। कॉलेज का आखिरी दिन है ना तो बस टाइम होने के बाद भी मस्ती कर रहे हैं। उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर फुटबॉल। तुम जा रहे हो ब्रदर, कैसे गया पेपर? अच्छा गया। अरे देखो कल तुम्हारा बर्थडे था, विश किया फिर भी डबल हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। कैसे गया पेपर? पेपर अच्छा गया भाई। फाड़ डाला पेपर ने तुमको? फाड़ा कि तुमने पेपर को? मैंने ही पेपर का फाड़ डाला। देख मैं कितना पतला हूँ, मैं कितना पतला हूँ, देख कितने से गैप से निकल गया। सुबह अभी धवल और उसके दोस्त को हम छोड़ने जा रहे थे थाने के स्टेशन पे, टाइम मिला था स्वराज की गाड़ी के साथ। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल तो दिक्कत ये हो गई, गाड़ी झटके मार रही है और कॉक बदला है तो साला पेट्रोल लीक हो रहा है। देखते स्वराज आ रहा है, दिख तो नहीं रहा, धीरे धीरे आएगा, कैसे करे भाई। A few inches later. चलो भाई हमको खेद है तुमको छोड़ा नहीं पाए, मतलब छोड़ नहीं पाए, मिलते 1 महीने के बाद। चलो भाई चल, चलो एंजॉय करो। ओ ये भाई देवल भाई फिर तुमको भी मिलते 1 महीने के बाद भाई, बिल्कुल। चलो बाय बाय। 2000 years later. ये क्या हुआ? क्या हुआ? रिपोर्टर स्वरा साड़ी भाई यार अलग ही लेवल की घाई शुरू हुई इधर। ये सौरभ मार्किल मिर्ती लिख रहे सो भाई देखते देखते 7 बज चुके हैं, अभी चाय पीते घर निकलते हैं। और यार मरीन ड्राइव वाला प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि स्वराज के मामा घर पे आ गए तो बाहर से, तो वो कुछ 1-2 दिन के लिए है तो आ नहीं पाएगा साथ में, तो प्लान तो कैंसिल हो चुका है। तो बस घर जाएंगे और देखते क्या करना है। चलो भाई 7:45 बज चुके और अभी बस घर पे गए, नीचे है जाते हैं जल्दी जल्दी, और यार फ्रेश होता हूँ। स्वराज और सौरभ गए गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, एक्चुअली वो बीच में जो गाड़ी बंद पड़ गई थी वो हुआ क्या था, उसका जो पेट्रोल का पाइप था वो कट गया था। सो मैंने जैसे वो कॉक घुमाया ऑन की तरफ तो अच्छी तरह पेट्रोल गिरना शुरू हो गया, तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान था सट से बंद कर दिया। फिर उसके बाद अब स्वराज आया, फिर उसने कुछ तो जोड़ जुगाड़ ऐसे वगैरह करके वो नया पाइप, नया नहीं पुराना ही पाइप बराबर लगा दिया उसको। चलो यार भाई मैं फ्रेश होता हूँ, फिर देखते हैं सामने क्या करना है।
बहुत थक गया, चलो। सो भाई देखते देखते 10:45 बज चुके हैं और एक ज़बरदस्त डील मिली है मुझे। बैकग्राउंड में जो पानी का आवाज़ आ रहा है, एक्चुअली टंकी थोड़ी भर चुकी है, मैं पानी भर रहा हूँ पीने का, तो इसलिए वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो ठीक है, मुझे एक एक्चुअली बहुत मस्त डील मिली है, एंड दैट इज़ सौरभ ने बोला अगर मैं अभी आज पानी भरता हूँ पीने का, तो वो आने वाले जुलाई में पूरा महीना पानी भरेगा। तो डील बहुत ही सही थी, तो भाई मैं भर ले रहा हूँ, छोड़ नहीं सकते। मुझे भी आलस आ रहा था, लेकिन सोचा थोड़ा लॉजिकली, तो यार तो भर लेता हूँ जल्दी जल्दी। और अभी देखते हैं, एक्चुअली टेलीग्राम चैनल, अगर पहले से व्लॉग्स देख रहे हो तो पता होगा अपना टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मूवीज़ और वेब सीरीज फ्री में अवेलेबल होती है। मतलब आई एक्चुअली डोंट सपोर्ट पायरेसी एंड ऑल, वो कॉपीराइटेड कंटेंट ही है। आई नो कुछ ऐसे पर्टिकुलरली अपलोड नहीं होता जो इंटरनेट पर पहले से वही शेयर होता है। तो स्टिल ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ वीडियो, वरना उड़ जाएगा। तो हाँ, जो पब्लिक वाले चैनल्स रहते हैं वो तो यार उड़ जाते हैं, मतलब बैन हो जाते हैं। तो अपने भी कुछ 3-4 चैनल ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। आई नो जो एफर्ट से वर्थलेस है, बट स्टिल अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल देंगे। तो पब्लिक चैनल अभी कुछ है नहीं, जितने से 3-4 बैन हो चुके हैं, अभी एक जल्दी से ओपन कर लेते हैं। बैकअप वाला चैनल तो है, तो वो प्राइवेट है। अगर प्राइवेट चैनल ज्वाइन करना, जो कभी बैन नहीं होगा आई थिंक सो, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हो और मूवीज़ और वेब सीरीज फ्री में देख सकते हो। और अगर कोई मिल नहीं रही है तो यार नूबैकर बॉट है अपना, वहाँ पे जाके डिमांड भी कर सकते हो। इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, बट जैसे अपलोड हो जाएगा या अगर पहले से चैनल पे होगा तो धब से मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं पब्लिक चैनल बनाने का ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्द, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। और मरीन का तो प्लान यार कैंसिल हो ही चुका है। ठीक है, पानी भरता हूँ और देखते क्या करना है। चलो A few inches later. So, वही विजय थाला वाले के बीच देखते देखते कुछ सामान बाकी है, वो बैग में रख देते हैं और बैग पैक कर लेते हैं। चलो 11 बज चुके हैं और मैं, सौरभ और स्वराज अभी थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, और मेरा पूरा वापस आने के बाद कर लेंगे। चलो सौरभ के बर्थडे की पार्टी बाकी थी, तो वो फाइनली ले पार्टी दे रहा है मुझे और स्वराज को, और मैं खा रहा हूँ क्या है नाम ऐसा, शेरपा राइस चिकन है इसमें। ये देखो भाई मज़ा आ रहा है खा के, उसमें भी है चिकन और ऑमलेट जैसा है कुछ तो। तो भाई 12:15 बज चुके, एक्चुअली 12:30 बज चुके हैं, और अभी यहाँ पे बस बैठ के थे, अभी घर जाएंगे बढ़िया से। और मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं यार ये लोग, मतलब रास्ते पे जो भी गाड़ी आ रही है ना, बस पूछ रहे हैं, ये बंदा पूछ रहा है कौन सी गाड़ी है। 7 बार मैंने कंटिन्यूसली गलत गाड़ी का नाम बता दिया यार, बट बाद में सही से ही बताया। तो ठीक है, अभी घर निकलते हैं जल्दी से। ओ ये था कि नहीं खरी सौरभ। सो गाइस पहुँच चुके हैं घर पे, और 1:15 बज चुके एक्चुअली। अभी बस स्वराज गाड़ी पहुँच लेगा, तब तक कंपनी देते हैं, और फिर वापस से ऊपर जाके अपना सामान जो भी है पैकिंग का वो कर लेंगे वापस। और तो बस मूवी देखते देखते फिर कोई सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक लिस्ट से फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट।